सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार मैं हूं तुम्हारा PokeVex और आज का एक नई वीडियो लेकर। तो यार आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं पोकेमोन के एनिमे रिलेटेड एकदम घुस के गए से टॉपिक के प्रॉपर बाहर लेके आया हूँ। सो यार मतलब इसी बात पे अगर तुम लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं ठोका तो प्लीज जल्दी जाके लाइक ठोको और उस बाजू वाले सब्सक्राइब बटन को भी दबाओ, ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हम लोगों को मिलती रहे। दोस्तों आज का वीडियो के बारे में लोगों को टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है टॉप 5 मेजर मिस्टेक्स इन पोकेमोन एनिमे। दोस्तों यार इस वीडियो को मतलब बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत और रिसर्च लगी है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट अच्छा देना यार। तुम लोग, मेरे को पता है तुम लोग थोड़े से अपसेट हो, बट दे दो यार सपोर्ट। तो भाई लोग इसमें मतलब ऐसे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग को आगे के वीडियो में पता चली जाएगी। सो मतलब ऐसे चलो यार बिना कोई टाइम को आते हैं और फटाफट से इस पूरी सी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग नंबर 5 की पोजीशन पे मिस्टेक्स इन नेम्स। तो भाई लोग नेम्स मिस्टेक्स, जैसे कि इस फोटो में जियोडूड को ग्रेवलर कहा गया है। जी हाँ, अभी आगे और सारी फोटोज है, और इस फोटो में कहा गया पॉलीवैक को पॉलीव्रैथ कहा गया है, और इस अब अगली वाली पिक्चर में ये है बेसिकली मूवी में से उठाई हुई पिक्चर है, जिससे मतलब इस साइथर को इसमें अलकाजान प्रनाउंस किया गया है। सो भाई लोग नंबर 4 के स्पॉट पे वही सेम पिक्चर्स है, मतलब नेम मिस्टेक्स है, बट इस बार थोड़ी सी अलग है, यानी इस बार कॉल आउट्स अलग है। इस बार पक्का मतलब ऐसे ये वो चीज़ है जो होनी नहीं चाहिए थी, मतलब गलती होनी नहीं चाहिए थी एनिमे में या फिर डबिंग में। तो आई गेस ये एक डबिंग मिस्टेक है, इंडिया में हुई थी। सो ये एक एपिसोड की बात है जिसमें जेनी जो है टीम रॉकेट आती है, तो जेनी अपने ग्राउलित को एक कमांड देती है, बट एक्चुअली मैं जब डबिंग हुआ था तब इसमें जेनी बोल रही थी कि आर्कनाइन यूज फ्लेम थ्रोअर, बट एक्चुअली मैं वो आर्कनाइन नहीं होकर ग्राउलित है। सो और ये एक डबिंग मिस्टेक्स है ऐसे मैं कह सकता हूँ। हाँ जी हाँ, ये एक डबिंग मिस्टेक है, बट ये एक मेजर मिस्टेक हो सकता है अगर हम ओवरऑल पोकेमोन के बारे में देखे जाए तो, और मैं इसे एक मेजर मिस्टेक मानूंगा और इसलिए इसको नंबर 4 का स्पॉट पे रखा हूँ। सो भाई लोग वर्क आता है नंबर 3 के स्पॉट का। दोस्तों नंबर 3 के स्पॉट पे एक ऐसी चीज़ है जो ब्रॉक की तरफ से हुई थी। सो आई डोंट गेस ये एक डबिंग मिस्टेक है या ये एक मतलब ऐसे समझने वाली मिस्टेक है जो कि डबर से हुई होगी। सो दोस्तों इसमें हुआ क्या था, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं उसको तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें मे ब्रॉक को पूछते हैं, ब्रॉक व्हाट इज एक्सट्रीम स्पीड, और ब्रॉक इसे मतलब उसे मे को समझाता है कि व्हेन अ पोकेमोन स्पीड गोज टू द एक्सट्रीम, उसे एक्सट्रीम स्पीड कहा जाता है। बट भाई लोग ऐसा कुछ नहीं है, ब्रॉक टोटली रॉन्ग है इसमें। एक्सट्रीम स्पीड एक ऐसा अटैक होता है जो सबसे पहले जाके लगता है किसी भी पोकेमोन को। जी हाँ, एक्सट्रीम स्पीड यानी अगर तुम दोनों अगर एक बैटल कर रहे हो, अगर एक सामने आमने सामने दो पोकेमोन है, और अगर तुम अपने पोकेमोन को एक्सट्रीम स्पीड इस्तेमाल करवाते हो, तो जो तुम्हारा पोकेमोन है उसका अटैक जो है सबसे पहले लैंड होगा सामने वाले पोकेमोन पे, ना कि द पोकेमोन गोस द स्ट्रीम एक्सट्रीम, यानी जो भी ब्रॉक को बोलना था। बट ये टोटली रॉन्ग है, जो जैसे मैंने कहा वो सही तरह है। तो यार इसको मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अब मेरे पूरे लिस्ट में थर्ड पोजीशन दी है। लोग बढ़ते हैं नंबर 2 के स्पॉट पे। दोस्तों नंबर 2 का स्पॉट मतलब जो भी है वो बहुत ही ऐसे अमेजिंग भी है, हंसने वाला भी है, और उसके साथ साथ मतलब ऐसे इरिटेटिंग भी है, मतलब ये क्यों है तो तुम्हें भी पता चल जाएगा वो क्यों है। तो ये फोटो देखो और समझ जाओ। तो यार यहाँ देखो यार, मतलब एक पाँच किलो का जू बैट, एक 20 किलो का, मतलब अंदाजा से बोल रहे हो 20 किलो के
इस पोर्टल को कैसे उठा पाएगा यार, ये एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है यार। मतलब अब तक देखे हुए, मतलब यार देखो ठीक है समझ जाता हूँ, अगर किसी और पोकेमॉन में उसे गोल बैट भी तब भी रहता तब भी समझ जाता, बट यार जू बैट मतलब ये इतना कतई हो नहीं सकता। तो यार मेरे को अभी इसके ऊपर बोलना ही नहीं पूछे भाई, बहुत इरीटेट होता है, हंसता भी आता है, फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ, तो इसी वजह से इस चीज़ को नंबर सेकेंड का स्पॉट दिया। तो भाई लोग बढ़ते हैं नंबर वन के स्पॉट की तरफ, और नंबर वन के स्पॉट पे जो मेजर मिस्टेक मैं अभी बताने वाला हूँ ना यार, ये पूरे लिस्ट में सबसे भयंकर मेजर मिस्टेक है, और ये सीधे से बता रहा हूँ कि ये कोई डबिंग मिस्टेक नहीं है या फिर कोई दूसरी मिस्टेक, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि खुद पोकेमॉन की कंपनी द्वारा हुई है। मतलब अगर मैं इसे डबिंग मिस्टेक कहूँ तो भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये मिस्टेक हो रहा है उस टोटल वीडियो में दोस्तों। तो यार मैं तुम लोग को इस वीडियो में कोई भी मतलब ऐसे मिस्टेक्स की वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई जो शोप्रो है वो यार मेरे को क्लेम दे देगा वरना स्ट्राइक दे देगा, तो इसकी वजह से मैं तुम लोग को मतलब फ़ोटोज से ही बताना चाहता हूँ। फालतू की स्ट्राइक मुझे नहीं लेनी है यार, मतलब शोप्रो सीधा स्ट्राइक दे देता है अभी। सो भाई लोग अभी तुम लोग जो फ़ोटो देखोगे उसमें मतलब इस वक्त ऐश ने बल्बसौर को कहा कि बल्बसौर यूज़ वर्ल्डविंड, तो भाई लोग बल्बसौर के चारों स्टेज में बल्बसौर वर्ल्डविंड नाम की कोई भी चीज़ सीखता नहीं है, बल्कि कोई भी ग्रास टाइप पोकेमॉन ऐसा कुछ सीखता नहीं है ऐसा मुझे लगता है। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हारे थॉट्स। तो भाई लोग यार इस पिक को भी देख के यार ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है मेरे मन में, तो आता है मतलब यार ये कैसे हो कैसे सकता है यार, मतलब जो चीज़ को जो पोकेमॉन सीख ही नहीं सकता वो तुम लोग उसे मतलब बैटल में इम्प्लीमेंट करते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग तुम्हारे इसके ऊपर क्या विचार थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इसको मैंने नंबर वन स्पॉट पे इसीलिए रखा है। सो ये दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, तो होप सो तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें आज का वीडियो कैसे लगा, टॉप 5 मेजर मिस्टेक्स इन पोकेमॉन। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं इसका पार्ट टू वाला वीडियो भी लाऊं, और मतलब ऐसे और मिस्टेक्स ढूंढ के तुम्हारे लिए और एक टॉप 5 मेजर मिस्टेक्स वाला वीडियो बनाओ। सो भाई लोग और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि तुम लोग को इन 5 मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक ज़्यादा पसंद आई, मतलब कौन से नंबर वाली मिस्टेक ज़्यादा पसंद आई, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाके लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे ऑल पे रखना, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो तुम लोग को मिल पाए। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलता हूँ तुम लोगों को मैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।